Vandeham Sri Guru Sri Yutapada Kamalam Sri Guru Nivaishnavamsa Sri Rupa Sagrajata Sahagana Raghunathana Tantam Satyam Sadvaitam Samudhutam Parina Saitam Sri Krishna Chaitanya Devo Radha Krishna Padam Sahagana Ravitam Sri Sathani Pansa ृत्यम दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतो स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम् आद्यस्य यतन्मयादितरतः सार्थे स भिज्ञः स्वराटम् तेने ब्रह्मगुराय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो बारिमृदां तथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रज्ज्वलकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिगणे किं परैरीश्वरः सद्यो हृद्यो वरुध्यते त्रिगुणद्विभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितम् फलम् सुखमुखादमृतम् द्रवसन्धुतम् पिबत भागवतम् रसमाल्यम् मुहुरु रसिका भुवि भावुकाः महायोगनिधीश्वरी नन्दगोपसुतम् देवी पतिम् मे कुरुते नमः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सवेरकरी नमस्कार सकलेन्दुलिनी मस्तकियमा जय जय राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभो जय जय माखन चो जय जय माखन चो हरिशरणम् ज्ञानं जदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्र महात्म प्रसाद उत यत्र गुणो गुणे स्वसंग कैवल्य सन्मत पथस्तत भक्ति योग को निवृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्या ललिताय गौर सितानाथ जी श्री राधा मदन गोपाल की। जिस भागवत संगति से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि उसके कारण राग आदि गुणों का समूह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात अंतकरण शुद्ध होने से आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती है, कैवल्य मोक्ष का सर्व सन्मत मार्ग भक्ति योग हो जाता है। भगवान की ऐसी कथाओं का चस्का लग जाने पर उसे कौन प्रेम नहीं करेगा। 11वें श्लोक के भागवत संगत के द्वारा सूचित श्री हरिकथा की प्रशंसा ज्ञानं जदा इस श्लोक से करते हैं। श्री हरि कथाओं से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि उससे सभी प्रकार के रागादि समूह पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाते हैं, अंतकरण स्वच्छ हो जाता है और विषयों से वैराग्य हो जाता है,
तथा मुक्ति प्राप्ति के मार्ग स्वरूप श्री भगवान में प्रेमा भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। उससे तृप्त हुआ कौन ऐसा मानव होगा जो श्री भगवान की कथाओं से प्रेम न करे। शौनको वाचम इत्यभी व्यावृतं राजा निशम्य भरतर्षव किमन्यत पृष्टवान भूयो व्यासकिं ऋषिं कविम। श्री सुखदेव जी द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर भरत वंशियों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित ने परम ब्रह्म का साक्षात करने वाले शब्द ब्रह्मनिष्ठ सुखदेव जी से दूसरी कौन सी बात पूछा। इस श्लोक में सुखदेव जी के लिए दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है, एक ऋषिम, इसका अर्थ है परम ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले, और कवि शब्द का अर्थ है वेद विद्या निष्णात। इस तरह से सुखदेव जी ने उपर्युक्त बातों को राजा परीक्षित को बतलाया था। एतत् सुश्रुषतां विद्वन् सूतनोरहसि भाषितुं कथा हरिकथोतर्का शतांशु सदसि ध्रुवम्। हे विज्ञ सूत जी, हम लोग इसे सुनना चाहते हैं, अतएव इसे आप हम लोगों को सुनाएं, क्योंकि सत पुरुषों की सभा में उस कथा को तो अवश्य होनी चाहिए जिसका पर्यवसान श्री हरि की कथाओं में होता है। सुनकादि ऋषियों महर्षियों ने राजा परीक्षित के द्वारा जिज्ञासित बातों को सुनने की इच्छा का कारण बतलाते हुए कहा कि भागवतों की सभा में तो उन कथाओं को अवश्य कहा जाना चाहिए जिन कथाओं का पर्यवसान श्री हरि की कथाओं में होता है, अतएव हम लोग उसे सुनना चाहते हैं। शवई भागवतो राजा पांडवे यो महारथ बाल क्रीडन कई क्रीडन कृष्ण क्रीडां यो आददी। निश्चित रूप से महारथी तथा पांडुवंश वतंस राजा परीक्षित भगवत भक्त थे। वे बाल्यावस्था में बालकों के खिलौनों द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण की क्रीडाओं को ही किया करते थे। उपर्युक्त बात का ही विस्तार से वर्णन सवई इत्यादि दो श्लोक के द्वारा किया गया है। राजा परीक्षित महारथी थे, वे पांडवों के वंश का संवर्धन करने वाले थे। वे भगवत भक्त थे क्योंकि बाल्यावस्था में भी जब वे खिलौनों से खेल रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा रूपी खेल खेला करते थे। वैयासकिश्च भगवान वासुदेव परायण उरुगाय गुणोदारः शतांशुरी समागमी। भगवत स्वरूप सुखदेव जी भी भगवान वासुदेव के भक्त थे। ऐसे भागवतों का समागम होने पर तो श्री भगवान की महती कथाओं की चर्चा अवश्य हुई होगी। श्री भगवान का एक नाम उरुगाय है। जहाँ पर भगवत भक्तों का समागम होता है वहां पर श्री भगवान के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण महान कथाओं का होना स्वाभाविक है, अतः उस कथा को आप हम लोगों को सुनाएं। आयुर्हरति वही पुंसान उद्यन्नस्तं चजन्नसौ तस्यार्थे जत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जो समय श्री भगवान संबंधित चर्चा के द्वारा व्यतीत होता है उसके अतिरिक्त समय और आयु को उदय और अस्त होते हुए सूर्य व्यर्थ में ही हरण करते रहते हैं। आयुर्हरति इत्यादि तीन श्लोकों के द्वारा बतलाया जा रहा है कि व्यर्थ ही विनष्ट होने वाली आयु को श्रीहरि की कथा के द्वारा ही सफल बनाना चाहिए। ये सूर्य उदय और अस्त होते हुए जिसका समय श्रीहरि की कथा में बीतता है उसको छोड़कर दूसरों की आयु का व्यर्थ में ही हरण करते हैं। तरवह किं न जीवन्ति भस्राह किं न श्वसन्ति उत न खादन्ति न मिहन्ति किं ग्राम वसवो परि। वृक्ष जीवित नहीं रहते हैं क्या? लुहार को झोंकनी श्वास नहीं लेती है क्या? ग्राम पशु तथा दूसरे पशु खाने और मैथुनादि क्रियाओं को नहीं करते हैं क्या? प्रश्न है कि भगवत कथा परंगमुख मनुष्य के आयु का जीवित रहना ही फल है, तो ऐसी स्थिति में
उन मनुष्य में और वृक्षों में क्या अंतर है? वे भी जीवित रहते हैं। यदि कहें कि वृक्ष जीवित तो रहते हैं किंतु वे मनुष्य के तरह श्वास नहीं लेते हैं, तो इसका उत्तर है कि श्वास तो लुहार की भांति भी लेती है। मुझे बस सुनता लुहा को तरले वाई यदि कहें कि लुहार की भांति श्वास तो लेती है किंतु वो आहार आदि को ग्रहण नहीं करती है, तो इसका उत्तर है कि इन नराकृति पशुओं के समान ग्राम पशु भी खाते हैं तथा मैथुनादि क्रियाओं को करते हैं, अतएव वे मनुष्य तो उन पशुओं के भी के ही समान है। स्वबीड बराहो खरी संस्तुत पुरुष पशु न जत कर्ण पथो पेतो या तो नाम गदग्रज। जिसके कानों में कभी भी भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं पड़ी वह मनुष्य कुत्ता ग्राम सुकर ऊंट तथा गधे के समान जानने योग्य है। उपर्युक्त अर्थ का ही प्रतिपादन करते हुए कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने कानों से श्री भगवान की कथा को नहीं सुना है वो कुत्ते के समान अपमान का पात्र है। निंदित विषयोपोग में आसक्त रहने के कारण ग्राम सुकर के समान है। कंटक पूर्ण दुख प्रदान करने वाले विषयों में आसक्त रहने के कारण कंटीले पदार्थों को खाने वाले ऊंट के समान तथा पारिवारिक भार वहन करने के कारण भारवाही गधे के समान है। भगवान नाम नेले गुणगान न कले उपदर्शन न कले तुम्हें मनुष्य रूप धारण कले भी कौन से अधिकार न आकृति मनुष्य प्रकृति रे पशु बिले बतोरुक्रम विक्रमानी न शृण्मत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुर्गे वसूत न चोपगायत्युर्गाय गाथ। श्री भगवान की लीलाओं को नहीं सुनने वाले मनुष्य के दोनों कान वस्तुतः बिल के ही समान हैं तथा हे सुत जी भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का कभी गायन नहीं करने वाली मनुष्यों की दोष दूषित जीव मेढक की जीव के समान व्यर्थ हैं। बस भगवत कथा परम परंगमुख रहने वाले मनुष्य के अंग भी व्यर्थ हैं। इस बात का प्रतिपादन बिले बतोरु क्रम इत्यादि पांच श्लोक से बतलाते हैं। बत पद का प्रयोग खेद के अर्थ में हुआ है। श्री भगवान की कथा को कभी नहीं सुनने वाले मनुष्य के दोनों कान बिल के समान हैं तथा भगवान नामोच्चारण नहीं करने वाली उसकी दोष दूषित जीव बरसाती मेढक के जीव के समान व्यर्थ है। भवन समान हाँ श्री रामचंद्र मानस गोस्वामी जी से यही कथा कही थी। भार परम पट्ट किरीट दुष्ट मप्युत्तम अंगं नमेन मुकुंदम शाबो करो नो कुरुत सपर्याम हरे लसद कंचन कंकण। रेशमी वस्त्र तथा मुकुट से युक्त भी वह शीर अत्यंत भार स्वरूप है जो भगवान के समक्ष प्रणाम करने के लिए नहीं झुकता है तथा सुवर्ण निर्मित कंकुण से युक्त हुए दोनों हाथ मुर्दे के हाथ के समान है जो श्री भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं। रेशमी वस्त्र से निर्मित पगड़ी और मुकुट से युक्त वह सिर केवल भार स्वरूप है यदि वो भगवान मुकुंद को प्रणाम करने के लिए नहीं झुकता है। जिन हाथों से श्री भगवान की सेवा नहीं की जाती है वे सुवर्ण निर्मित कंकुणों से भूषित हाथ भी मुर्दे के हाथ के समान व्यर्थ है। इस श्लोक का वह बा शब्द अप्यर्थक है। बरहाये ते नयने नराणम लिंगानि विष्णुर्न निरीक्षतो ये पादो नृणं तौ द्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्जौ। मनुष्य के जो नेत्र श्री भगवान की मूर्तियों का दर्शन नहीं करते हैं वे नेत्र
मयूर पिच्छ में विद्यमान नेत्रों के समान व्यर्थ हैं तथा मनुष्य के जो पैर श्री भगवान के क्षेत्रों का यात्रा नहीं करता है वे दोनों पैर वृक्ष होने के लायक हैं। जीवत सबो भागवता अंग्री रेणु न जातु मर्त्यो बिलवेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनु मनुजस्तुलश्या स्वसत सबो यस्तु न वेद गंधम। जिस मनुष्य ने भगवत भक्तों के चरणों की धूली को भी कभी भी अपने सिर में नहीं चढ़ाया वह जीवित मुर्दा है तथा जिसने कभी भी श्री भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध को नहीं सूंघा वह श्वास लेता हुआ मुर्दा है। देखो तो भगवान भक्त मानकर चरण रेणु कितने माने मूल्यवान। जिसने जीवन में श्री भगवान की भक्तों के चरणों की धूली को अपने सिर में चढ़ाने के लिए नहीं प्राप्त किया वो जीते जी मुर्दा है तथा जिसने श्री भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी को सुनकर उसकी सराहना कभी नहीं की वो श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। तदस्वसारं हृदयं वतेदं जद्गृह्यमाणैर हरिनामधेय न विक्रियेता तदा विकारो नेत्रे जलंगात्र रुहे सुहर्ष। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक। निश्चित रूप से वह हृदय पत्थर के समान है अत्यंत कठोर है जो उच्चारण किए जाने वाले श्री हरि के नामों को सुनकर पिघल नहीं जाता। जब हरि नामों को सुनकर हृदय में विकार उत्पन्न होता है उस समय आंखों में आंसू भर जाते हैं तथा रोम में रोमांच हो जाता है। अस्व पत्थर को कहते हैं उसके समान कठोर को अस्पसार कहा जाता है। भगवान नाम संकीर्तन को सुनकर जिस हृदय में विकार नहीं उत्पन्न होता है वह हृदय पत्थर के समान कठोर है। जब हृदय में विकार उत्पन्न हो जाता है तो आंखों में अश्रुजल भर जाता है और रोमांच हो जाता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अथा विधेयंग मनोनुकूलं प्रभासे भागवत प्रधान यदा वैयास किरात्म विद्या विशारदो नृपति साधु पृष्ठ। हे सुत जी आप अत्यंत अनुकूल बातें सुनाते हैं। राजा परीक्षित द्वारा अच्छी तरह से पूछे जाने पर आत्मविद्या में पारंगत श्री सुखदेव जी ने राजा को जो कहा उसे आप हमें सुनाएं। क्योंकि भगवत भक्ति से रहित तो मनुष्य के सारे देह तथा इंद्रियों की पटुता आदि व्यर्थ हैं और आप हम लोगों के अनुकूल बात कहते हैं अतः राजा के द्वारा नियमानुसार प्रश्न किए जाने पर श्री सुखदेव जी ने राजा को जो कुछ भी सुनाया उन सारी बातों को आप हम लोगों को सुनाइए। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय की भावार्थ दीपिका संपूर्ण हुई। चौथा एक भगवान कर जो अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवत जो आत्मसमीक्षा आलोचना प्रजातन सब रखा है यहाँ तो जो शक्ति और सामर्थ्य सिद्धांत सब रही करिया द्वारा कौन जो लाभ न करिया द्वारा कौन जो क्षति ये सिद्धांत कौन सी देश में ना भागवत भारत सब छाड़ दे भारत देश ये हूँ महिमा ये हूँ महात्मा ये बड़ी एक शक्ति अच्छी जो शक्ति के अन्य देश नहीं ये शक्ति ही सत्य नित्य और सनातन यार कितने बड़े क्षय क्षति घटेंगे आ घटिव यही विश्वास एठिकार विश्वास कर भक्त पूर्ण मात्रा रे ये शक्ति सांगरे भगवान सांगरे ही संपूर्ण भाव जड़ित लिंक अच्छी मित्रता रही शरणागति अच्छी कहले
जी भगवत नाम तो सत्वराश्रम से जिते बड़ सामर्थ्यवान हो ना कहेंगे से किरीट सुवर्ण किरण टी कहेंगे से मथा कौन जो लाछना दि गाड़ी दिया दि सुवर्ण अलंकार मंगित हो सत मुर्दार ए सामर्थ्य नासा शरणागति जो देश जिते बड़ शक्तिशाली होना कहीं से पतन ही पतन ही पतन ये सब आत्मसमीक्षा आम देश गोटे परम शक्ति अच्छे को अणु परमाणु को जिते प्रकार दापा जो शक्ति सामर्थ्य अच्छे कहीं कम कर व्यवस्था रखी निर्भर कर केड़े केड़े दुष्ट राजा सब थे ना नहीं केड़े 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 सब आम सब दुष्ट शुणुता है महाभारत भगवान अर्जुन जो फुर ओले अर्जुन का आग ओले केड़े 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 सब दिव्य अस्त्र सब मारे भगवान थी चारिकर आग धन्य मान भितर पशु भगवान कहले हाउ एटा देखा भक्त किमती रक्षा कर देखा सिद्धांत तो मु अर्जुन को आगे उतारिकी निजे पचे देख यही कारण तो कह आगे वाला तो रक्षा कर प्रभु बाबा कहते सब एपरा प्रभु एपरा प्रभु आम था भय कहीं भय कह भय कहीं शरणागति कहीं नौ कार शरणागति नब तार शरणागति नी कि लाभ पाऊ सारा पृथ्वी मानुची सारा पृथ्वी को शासन कर राजा भीतर रोचा आ भगवान खोद अनंत कोटी ब्रह्मांड को सर्जना कर भगवान सी अच्छा तेना कार शरण कंबा दयालु शरण ब्रजेम अथ चतुर्थोध्याय सुतोवाच वैयासकेरिति वच तत्र निश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्ण औत्तरीयः सतिं व्यधातम् श्री सुखदेव जी के भगवत तत्व निश्चयात्मक उस वाणी को अपने मन में धारण करके उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण में अपनी शुद्ध बुद्धि को लगा दी भैया से क्यों व्यास देव का पुत्र इस चौथे अध्याय में राजा परीक्षित के द्वारा सृष्टि तथा श्री हरि की चेष्टाओं के विषय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी ने ब्रह्मा जी तथा उनके पुत्र नारद जी के संवाद के माध्यम से दिया है। राजा के प्रश्न का वर्णन करने के लिए उसके पहले की स्थिति का वर्णन वैयासके इत्यादि चार श्लोकों के द्वारा किया गया है। श्री सुखदेव जी के इस प्रकार से आत्म तत्व की निश्चाई का वाणी का विचार करके राजा ने भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए, दूसरे किसी की नहीं, इस प्रकार की अपनी शुद्ध बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुसु राज्य चा विकले नित्यम विरोधांग ममतां जहो। राजा ने शरीर पत्नी पुत्र गृह पशु संपत्ति तथा बांधवों में एवं निष्कंटक राज्य में जो नित्य के अभ्यास के कारण ममता सुदृढ़ हो गई थी उसका त्याग कर दिया। आत्मा शब्द से शरीर की कहा गया है, शरीर को कहा गया है, और पशु शब्द से हाथी घोड़े इत्यादि को कहे गए हैं। इन सभी वस्तुओं में जो राजा की ममता अत्यंत सुदृढ़ हो गई थी उसका राजा ने सुखदेव जी की वाणी को सुनकर त्याग कर दिया। एक भागवत क्रमश प्रारंभ धीरे 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 भगवान लीला को नहीं सामर्थ्य शक्ति
विचारधारा उपरे चलिबो ए विचारटा गोटे मूल फाउंडेशन आमर चित्तवृत्ति के नेकी सेठी रख देखिबे बुझिया के सरल हबो किंतु गोटे न्यायालय विचारालय सब विचार चलछि किंतु आमर प्रति स्टेट राम भारत स्टेट गोटे न्यायालय अच्छी जो पार्लियामेंट कहता है ना सुप्रीमकोर्ट पार्लियामेंट विचारालय अच्छा सारा भारत कथा से भारत लोक से अच्छा भारत मेन मेन सब लोकप्रतिनिधि लोकप्रतिनिधि सब रही विचार जहा विचार होती से अनुसार देश परिचालित सब हूँ ये विचार कौटी हूँ भारत विचार नुहे सारा पृथ्वी भारत विचार प्रति नुह शास्त्र नुहे भक्त भगवान भगवान शास्त्र ना देवता समूह को लेकिन ब्रह्मा को लेकिन अनंत ब्रह्मांड को लेकिन सब को लेकिन हूँ ये भागवत आलोचना चर्चा बर्तन चलती ये चर्चा कौटी हूँ ये विचार कौटे आसी कौटे होता याकु पठे दियो सारा सृष्टि पार्लियामेंट नहीं जाऊ वैकुंठ नहीं जाऊ वैकुंठ विचार भारत भाई बा पृथ्वी भाई जिते सब अच्छे सब ब्रह्मा जगह अच्छे सब ब्रह्मा पार्लियामेंट पा समस्त अच्छे मुख्यमंत्री सहित जिते सब इंद्र ब्रह्मा महेश्वर 33 कोटी देवता ये सब कौन सब पार्लियामेंट मेम्बर सब गोटे गोटे सब अच्छा से विचार हो सृष्टि के लिए पंचायत सब हम भगवान कौन आर सब संविधान सब रखते या भागवत धर्म टी गोटे मूल चैनल सब चलती ना तार को चैनल ना गोटे गोटे न्यायर प्रथम ना दिखाई भागवत धर्म सम्मेलन बाबा जिते महोत्सव टी वार्षिक महोत्सव टी कर कौन हो भागवत धर्म सम्मेलन नहीं कि भागवत धर्म सम्मेलन तेणु ए धर्म सम्मेलन वैकुंठ सम्मेलन सेठी जो विधान संविधान भगवत भगवान मुख अनुसूत प्रजा शासन प्रजा पालन भक्त पालन तार सृष्टि विभिन्न प्रांत कौटी कौ नियम रहा उचित किए शासित होगा उचित तार धारा कौन कौन भागवत धर्म से रखाई एटा से विचार होता से विचार सब पठाई बुझी निजर चित्तवृत्ति से खाली आम भारत में आम गांव पे आम वृंदावन पे एटा ना विश्व ब्रह्मांड पे आईन सब कराई जी बहिर्भूत हम दंडित हम ना दंडित कर भारत सरकार प्रति स्टेट तार कानून जहां रखी दंडित हो ना सेमती ये हूँ बाबा कहते सुप्रीम कोर्ट हाँ से जो विचार दे कि बास फांसी हम तो फांसी हम इतनी समय इतनी समय हम हम कई रखा सेमती विचारधारा ये भागवत धर्म जो देश रे जो गाँव रे जा पाखरे जो ठारे हाउपर आ शक्ति किसी ना अच्छी तुम्हें ये भरोसा ये निर्भरता ये विश्वास इस रहा उचित तुम जो देश भूल करना कहीं से देश अवश्य दंडित हम जहां दंड लेखा जदि न करुची से आईन पालन न शुणुची से निश्चित पशु पक्षी तरुलता किसी भिन्न न पशु किसी भिन्न न जिते बड़ शक्ति सामर्थ्य बाहर देखा जाऊ ना कहीं कौरव कूल भाया पांच जगह शहे भाई होता सारी द्रोणा भीष्म कर्ण जिते सामर्थ्य वाला सब था से करे जो करे भगवत भगवान भागवत धर्म
ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେ ଦେଶ ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ବିଜୟୀ ଅବଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା, ଏଠିକାର ନୁହଁ, ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ମୀମାଂସା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଆଲୋଚନା। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ଭାରତବାସୀ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଏ ବିଷୟ ତାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଏସବୁ ଅଛି। କାହିଁକି ଭଗବାନ ବାରବାର ଅବତାର ନେଇକି ଏସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌଶଳ ଲୀଳା ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଠିକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆଶା କରେ। ପୁଣି ଏଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନାହିଁ, ଏ ବିଚାର ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଆର ଶରଣାଗତି ଆର ସେବନ କରିବା ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ର ହିଁ ମୋର ରହିଛି ରହିବ ରହିଥିବ। ଅପ୍ରଚ୍ଛଚେ ମମୀବାର୍ଥମ୍ ୟନମାମ୍ ପୃଚ୍ଛତ ସପ୍ତମାଃ କୃଷ୍ଣାନୁଭାବ ଶ୍ରବଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନୋ ମହାମନଃ। ହେ ସପ୍ତମାଃ କୃଷ୍ଣାନୁଭାବ ଶ୍ରବଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ ମହାମନଃ ହେ ସପ୍ତମାଃ ଜନ୍ମାନ୍ ପୃଚ୍ଛତ ଇମଂ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରପଚ୍ଛ। ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହର୍ଷିଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେ ପ୍ରଭାବ ଶ୍ରବଣ ମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନେ ବାଲେ ମହାମନସ୍ୱୀ ରାଜା ପରିକ୍ରିତ ଉସି ପ୍ରଶ୍ନ କୋ ପୁଛା ଜିସେ ଆପ ଲୋକ ମୁଝସେ ପୁଛ ରହେ ହୈଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିସ ତରହ ସେ ଆପ ଲୋକ ମୁଝସେ ଶ୍ରୀ ହରି କି ଲୀଳା କେ ବିଷୟ ମେ ପୁଛତେ ହୈଁ, ଉସି ତରହ ସେ ରାଜା ନେ ଭି ସୁଖଦେବ ଜିସେ ଶ୍ରୀ ହରି କି ଲୀଳା କେ ହି ବିଷୟ ମେ ପୁଛା। ସଂସ୍ଥାମ ବିଜ୍ଞାୟ ସଂନ୍ୟସ୍ୟ କର୍ମ ତ୍ରୈବର୍ଗିକଂ ଚୟତ୍ ବାସୁଦେବୀ ଭଗବତୀ ଆତ୍ମଭାବଂ ଦୃଢ଼ଂ ଗତ। ରାଜା ଅପ୍ନି ମୃତ୍ୟୁ କେ ବିଷୟ ମେ ଜାନକର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଓ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲେକର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମେ ଆତ୍ମଭାବ କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋ ଗଏ ଥେ ଏସେ ରାଜା ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଜୀ ସେ ପୁଛେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଇସ ବାତ କୁ ଜାନ ଗଏ କି ମେରି ମୃତ୍ୟୁ ସାତ ଦିନ ମେ ହୋ ଜାନେ ବାଲି ହୈ, ଇସିଲିଏ ଉନ୍ହୋନେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଓ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସଭି କର୍ମ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲେ ଲିଏ। ବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମେ ଆତ୍ମଭାବ କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋ ଗଏ ଥେ। ଇସ ପ୍ରକାର କେ ରାଜା ନେ ସୁଖଦେବ ଜୀ ସେ ପୁଛା। ରାଜୋ ବାଚ କାରାବାଦର ନାହିଁ ନା, ତଥାପି ଆମର ନୀଲଦ ପଣ୍ଡା ଅଛି, ନୀଲଦ ପଣ୍ଡା ଥିବାରୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ଏଇ ଫରକ ଆଉ ପଛରେ ଏକା ସପ୍ତମରେ ଆସିବ ଜୀବର ଏଇ ଯୋଉ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କିଭଳି ସବୁ ଲାଞ୍ଛନା ଦିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଛି ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଛି ଗଧ, ଆଉ ଦିଆ ହେଇଛି ଛେଳି, ଗଧ ଛେଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଛି କଣ କୁକୁର ନା କଣ, ତିନିଟା କଥା କୁହା ହେଇଛି କୁକୁରକୁ ସେ ଖାଉଛି ତମ ଦ୍ୱାର କରୁନ, ତାକୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି କରୁନ, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚବ କୁକୁରଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି କୁଡ଼ାଟେ ପଡୁଛି। ଛେଳିକି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିନ ସାରା ଖାଇନଥିବ କିଛି, ତାକୁ ବେଲ ପତ୍ର ଦେଇକି କୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ସିର ଲଗେଇକି ତାକୁ ଏଠିକି ପୁଞ୍ଜି ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜି ଖୁଆଇଲେ ତାକୁ ହାଣିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମାଇ ଛେଳି ଦେଖିକି ତାଡ଼ ପଡୁଛି, ସେ ମରିବ ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ଲଗେଇ ଯାଉନି, ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ପତ୍ର ଖାଉଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଇଏ ବୋଧା ପଡିବ ତାର ହାଡ଼ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହଁ
गध गध गधुणी पक्ष गध चलती से नात मारे छाने आम मलिया बध जीवक लाछना दिया एपरि स्थले आउ कह परीक्षित पलि आसिले आम आसपार आम केड़े मिले ठिया जो कहनी भाषा बहलिया मैं कौन बहलिया मैंने कौन तुम कौन कह भाषा कौन सब सतराम गाड़ी लाच दौ राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवा नघ तमो विसीर्जते मह्यं हरिः कथयतः कथाम्। हे निष्पाप ब्रह्मन् आप सर्वज्ञ हैं, आपकी वाणी समीचीन है अर्थात सुंदर है। आपके द्वारा श्रीहरि की कथा कहे जाने के कारण मेरा अज्ञान दूर हो रहा है। आप जो श्री भगवान की कथा कह रहे हैं उसको सुनकर मेरा अज्ञान विनष्ट हो रहा है, अतएव आपकी वाणी अत्यंत सुंदर है। भूय एव विविच्छामि भगवान आत्ममायया यथेदं श्रुतते विश्वं दुर्विभाव्य मधीश्वरी। श्री भगवान अपनी माया के द्वारा ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा भी नहीं जानने योग्य इस संपूर्ण जगत की रचना कैसे करते हैं, इस बात को मैं पुनः जानना चाहता हूँ। मैं पुनः यह जानना चाहता हूँ कि श्री भगवान अपनी माया के द्वारा इस अवितर्क्य जगत की सृष्टि कैसे करते हैं। यथा गोपयति विभुर यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्ति ही परः पुमान आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। वे व्यापक परमात्मा किस तरह से जगत की रक्षा करते हैं और अंत में वे किस प्रकार से इसका संहार भी कर देते हैं। अनेक शक्तियों से संपन्न परम पुरुष किस किस शक्ति को अपना कर स्वयं क्रीड़ा करते हैं और ब्रह्मादि रूप वाले जगत को क्रीड़ा कराते हैं। वे किस तरह से इस जगत को उत्पन्न करते हैं और अंत में इसे विनष्ट कर देते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि परमात्मा किस प्रकार से संसार की रक्षा करते हैं और किस प्रकार से इस जगत का संहार करते हैं, किन किन शक्तियों को अपनाकर परमात्मा इस जगत को खिलौना बना देते हैं और ब्रह्मादि रूप से उसके साथ वे किस तरह से अपने को अनुरंजित करते हैं, वे किस तरह से इस जगत का निर्माण करके इसका अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्य मिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। हे ब्रह्मन् अद्भुत कर्मों को करने वाले भगवान श्री हरि की चेष्टाएं निश्चित रूप से बड़े बड़े विज्ञ पुरुष के लिए भी दुर्विभाव्य के समान हैं, अर्थात वे प्रयास करके भी उसे नहीं समझ सकते हैं। इस श्लोक में श्री भगवान को अद्भुत कर्म करने वाला बतलाकर यह कहा गया है कि श्री भगवान की चेष्टाओं को बड़े बड़े विज्ञ पुरुष भी नहीं जान सकते हैं तो और कि कौन कहें। यथा गुणंस्तु प्रकृतेर युगपत क्रमसोपी वा विभर्ति भूरि सस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मवि। एक ही परमात्मा पुरुष रूप से प्रकृति के अनेक गुणों को धारण करते हैं अथवा ब्रह्मादि अवतार रूप से जन्मों के द्वारा कर्मों को करते हुए क्रमशः प्रकृति के गुणों को धारण करते हैं। परमात्मा तो एक ही हैं, वे अनेक कर्मों को करते हैं, तदर्थ वे अकेले पुरुष रूप से ही प्रकृति के अनेक गुणों को धारण करते हैं अथवा ब्रह्मादि अवतार रूपी जन्मों के द्वारा क्रमशः प्रकृति के गुणों को धारण करते हैं। ये प्रश्न हो जी, एडी प्रश्न हो जी, प्रश्न हाँ। विचिकित्सित मे तन मे ब्रवीतु भगवान यथा साधे ब्रह्मणि निष्णात परिस्मिं च भवान खलु। राजा ने कहा आप वेद तथा परब्रह्म दोनों के पूर्ण से ज्ञाता हैं, अतएव आप मेरे
इन संदेहों को यथोचित रूप से दूर करे। विचिकित्सतसंग देहास्पद विषय को कहते हैं। राजा ने सुखदेव जी से निवेदन किया है कि भगवान आप तो शब्द ब्रह्म तथा पर ब्रह्म दोनों के पूर्ण रूप से ज्ञाता है, परंतु आप मेरे इन संदेहों को यथोचित रूप से दूर करें। सूतो वाच इत्युपामंत्रितो राज्ञां गुणानुकथने हरि ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमि। इस तरह राजा परीक्षित के द्वारा श्री हरि के गुणों का वर्णन करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर भगवान ऋषिकेश का स्मरण करके श्री सुखदेव जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया। उपामंत्रित पद का अर्थ है प्रार्थित, अर्थात उपयुक्त प्रकार से राजा के द्वारा श्री भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए राजा के प्रार्थना करने पर श्री सुखदेव जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। श्री शुकोवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। संसार की सृष्टि स्थिति और संहार रूप लीला करने के लिए जो परमात्मा सत्व रजस एवं तमस इन तीन शक्तियों को धारण करके विष्णु ब्रह्मा और शंकर के रूप में धारण करते हैं, शंकर का रूप धारण करते हैं, अंतर्जामी स्वरूप होने के कारण जिनकी प्राप्ति के मार्ग को जाना नहीं जा सकता है, ऐसे निशीव महिमा संपन्न परम पुरुष को नमस्कार है। श्री भगवान को नमस्कार करते हुए श्री सुखदेव जी का अपने प्रवचन का उपक्रम 13 श्लोक में करते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा परम पुरुष है, अर्थात वे ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। भगवान शुक मंगलाचरण मंगलाचरण आरंभ भगवान को प्रार्थना मंगलाचरण श्री भगवान को नमस्कार करते हुए श्री सुखदेव जी अपने प्रवचन का उपक्रम 13 श्लोक में करते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा परम पुरुष हैं, अर्थात वे ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। भूय से कहकर उन्होंने श्री भगवान को अनंत महिमा संपन्न बतलाया। अनंत महिमा वे भगवान इस जगत की सृष्टि स्थिति तथा संहार लीला करने के लिए करते हैं, अर्थात जगत के जन्मादि का मुख्य प्रयोजन भगवान की लीला है। मुख्य प्रयोजन होती है भगवान की लीला। वे इस कार्य को करने के लिए सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण इन तीन शक्तियों को अपना कर विष्णु ब्रह्मा और शंकर रूप हो जाते हैं। वे सभी शरीरधारियों के शरीर में अंतर्जामी रूप से विद्यमान हैं, अतएव उनकी प्राप्ति के मार्ग को आसानी से नहीं जाना जा सकता है, ऐसे श्री भगवान को नमस्कार है। अनंत ब्रह्मा तक पहुंचे तो बुद्धि विचार किसी पाव नहीं हमारे इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड को सदना करण कर स्मार करते खेलना कर दांगे दौर गढ़ी दौरान आसो कौन विधि विधान सब रखा है कौन सब रहस्य रखा है तार सृष्टि विषय कहते प्रश्न तेना सृष्टि केमती हम कमी आरंभ कर ब्रह्मा आरंभ संवाद को आरंभ कर ब्रह्मा सृष्टि तैयारी कर ब्रह्मा के सब जिन सब मेटेरियाल जोगेदे से कम सब तैयारी कर नारद जा पचार ब्रह्मा को आप सब तो करगवान सबकिम कर मत कह टे से ब्रह्मा कह मुझे कर भगवान को देखा मो निमित्त मात्र एम गोटे गोटे प्रश्न प्रश्न उत्तर सब चल आरंभ है सृष्टि सर्वना के भूयो नमः सत् ब्रुजिन छिदेश तामसम भवाया अखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमिं व्यवस्थितानामनुमृक्यदासुसि भूयो नमः सत् ब्रुजिन छिदेश तामसम भवाया अखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृक्यदासुसि
मनुमृगदास से। सत्पुरुष के दुख को दूर करने वाले, दुष्टों की समृद्धि को रोक देने वाले, संपूर्ण जीव शरीर तथा पारमहंस आश्रम में पुरुषों को उनके अभिष्ट पदार्थ को प्रदान करने वाले श्री भगवान को पुनः नमस्कार है। श्री भगवान विचित्र फलों को प्रदान करने वाले हैं। इस बात का स्मरण करके पुनः इस श्लोक से सुखदेव जी उनको नमस्कार करते हैं। वे भगवान धार्मिक पुरुषों के कष्ट को दूर करते हैं तथा जो अधार्मिक मनुष्य हैं, उनकी होने वाली समृद्धि को रोक देने का काम करते हैं। संपूर्ण जगत उनकी ही मूर्ति व शरीर है। वे उन जीवों को विभिन्न देवताओं का रूप धारण करके उन सभी जीवों को फल प्रदान करते हैं। पुनः उन दोनों प्रकार से विलक्षणता बतलाते हुए कहते हैं, पारमहंस आश्रम में आत्मनिष्ठा स्वरूप है। उस आश्रम को अपनाने वाले संन्यस्त पुरुषों के अभिप्रेत अर्थों को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे भगवान को वे पुनः नमस्कार करते हैं। नमो नमस्ते स्पृशभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुकुजोगिनाम निरस्त साम्यातिशय नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंशते नमः। भगवत भक्तों को पालन करने वाले भगवान श्री भगवान को बार बार नमस्कार है। भगवत भक्ति विहीन जीवों को जिनकी दिशा भी अत्यंत दूर है, अर्थात उन लोगों के लिए भगवान दुर्गे है। श्री भगवान के समान ही कोई नहीं है, अतएव उनसे महान होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न अपने धाम में विहार करने वाले श्री भगवान को बारंबार नमस्कार है। भगवान भक्तों का पालन करते हैं तथा जो लोग भक्ति की भावना से विहीन है, ऐसे जीवों के लिए उनकी दिशा भी बहुत दूर है, अर्थात उन जीवों के लिए श्री भगवान दुर्गेय है। श्री भगवान का ऐसा ऐश्वर्य है कि उनके समान ही कोई नहीं है, तो फिर उनसे अधिक ऐश्वर्यशाली कोई कैसे हो सकते हैं? ताक से तो समान ही कई नांदी नदी ताकू अधिक क्या अभाव। इस प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न श्री भगवान अपने धाम में सदा रमण किया करते हैं। ऐसे श्री भगवान को नमस्कार है। यत कीर्तनम जत स्मरणम जदीक्षणम जत बंदनम जत श्रवणम जदर्हनम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन बंदन श्रवण और पूजन जीवों के पापों को शीघ्र ही विनष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति श्री भगवान को बारंबार नमस्कार है। सभी साधनों की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता का स्मरण करते हुए श्री सुखदेव जी पुनः नमस्कार यत कीर्तनम इत्यादि दो श्लोक से करते हैं। अरहण पूजन को कहते हैं। श्री भगवान की लीलाएं मंगलमय हैं, अतएव वे सुभद्र श्रवा है। विचक्षणा यत चरणोपसादनात् स असंजत विचक्षणा यत चरणोपसादनात् संगम विदस्यो वयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विवेकी पुरुष जिनके चरणों की शरणागति करके लोक और परलोक दोनों में होने वाली आसक्ति का परित्याग करके बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय जस वाले श्री भगवान को बारंबार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिन श्री भगवान के चरणों की शरणागति करके लोक और परलोक दोनों में ही होने वाली आसक्ति को अपनी अंतरात्मा से निकाल कर बिना किसी प्रयास के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय जस वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। तपस्विनो दान परा जसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना जदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी दानी यशस्वी मनस्वी मंत्रवित्ता तथा सदाचार परायण भी
अपने तप दान आदि की को श्री भगवान को समर्पित किए बिना कल्याण नहीं प्राप्त करते हैं। उन श्री भगवान को बार बार नमस्कार है। जो लोग भगवान की भक्ति से रहित हैं, उन लोगों के द्वारा साधन रूप से अपनाए गए तप दान मनस्पिता यश मंत्र तथा सदाचार तब तक कल्याणप्रद नहीं होते हैं जब तक कि उन साधनों को श्री भगवान को समर्पित नहीं कर दिया जाता है। सुभद्र श्रव से इस पद को बार बार कहने का अभिप्राय कि श्री भगवान का यश ही प्रधान है। पहले बनाया मंगलमय जांग कितनी मंगलमय रोमय गोतर को उस मंगलमय जस संपन्न भगवान किरात हुनंद्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यवना कषादय ये नीच पापा जदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात हुन आंध्र पुलिंद पुलकस आवीर कंक यवन तथा खस जाति के मनुष्य तथा दूसरे भी पापी मनुष्य जिन श्री भगवान के शरणागत जीवों के शरणागत हो जाने पर शुद्ध हो जाते हैं उन सर्वशक्तिमान श्री भगवान को बारंबार नमस्कार है। ना हूँ विभिन्न प्रकार पापी हाँ पापी पापी मनुष्य थान थान ताको आहुरी विस्तृत वर्णना करछन्ति। भक्ति परम शुद्धि का साधन है इस बात को किरात इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है। किरात इत्यादि जो पापमय जातियां हैं तथा जो पाप कर्म करने वाले लोग हैं वे भी भगवत भक्तों के शरणागत हो जाने पर शुद्ध हो जाते हैं। यदि कहें कि यह कैसे हो सकता है तो इसका उत्तर है कि श्री भगवान प्रभु विष्णु हैं, वे असंभव को भी संभव बना देते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। किरात इत्यादि जातियां का परिचय इस प्रकार है। शबर पुरुष से पर्ण सबरी जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को वैदेहिक कहते हैं। वैदेहिक माने किरात इत्यादि जातियों का परिचय इस प्रकार देते हैं। किरात माने कौन कौन शबर जाति वैदेहिक पुरुष से पुलकसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न को हुण कहते हैं। वैदेहिक के पुत्र को आंध्र कहते हैं और निष्ठय पुरुष से किराती स्त्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को पुलिंद कहते हैं और शूद्र पुरुष से ब्राह्मणी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को चांडाल कहते हैं। ये भगवान माने गोटे शूद्र पुरुष ब्राह्मणी स्त्री स्त्री और यदि पुत्र दे देला जो छुआटा हम से चांडाल उत्पन्न चांडाल कहते हैं। चांडाल पुरुष के पुत्र को पुलकस कहते हैं। ब्राह्मण पुरुष से वैश्यनारी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को अम्बस्त कहते हैं और अम्बस्त की अविवाहिता पुत्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न पुत्र को आवीर कहते हैं। हाँ कर्पूरा को कंक कहा जाता है। राधा से वैश्या का गर्भ से उत्पन्न पुत्र को यवन कहते हैं। तुरस्कों की ही एक जाति शौक जाती है। ये तो बहुत विस्तृत भाव जो जन्म कार उसे कार ठरो जन्म वाले विपन्नापन्न जीव हला यदि भगवत शरणागति हला ताले से ही उद्धार हला उनकी शुद्ध है जोली को जन्म रहा इतने मने ये पापमय जोनी रे जन्म ही चले मध्य से यदि भगवत आश्रय है गला किंबा भगवत भक्तों के शरणागत है गला बोले पूरा शुद्ध है जो कुछ सीधा में शेष आत्मा तो बतामधीश्वर स्त्रीमयो धर्ममय तपोमय गत व्यलिके रज शंकरादिवीर
निर्वितर्क्यलिंगो भगवान प्रसीदताम। जो भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्मकांडियों के लिए वेदमूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्ममूर्ति है और तपस्वियों के लिए तपोमय है, ब्रह्मा तथा शिव आदि बड़े बड़े देवता निष्कपट भाव से उन श्री भगवान का चिंतन करते हैं, वे ही श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। वे श्री भगवान सबों के लिए उपास्य हैं। इस बात का स्मरण करते हुए श्री सुखदेव जी उनकी प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान आत्मज्ञानियों के लिए आत्मा रूप से उपास्य हैं। त्रयीमयत्व इत्यादि विशेषणों के द्वारा विभिन्न मार्गावलंबियों के लिए उनकी उपास्यता बतलाई गई है। वे भक्तों के द्वारा स्वामी रूप से उपास्य हैं, वैदिकों के लिए वेदमूर्ति के रूप से उपास्य हैं, धार्मिकों द्वारा धर्ममूर्ति रूप से तथा तपस्वियों द्वारा तपोमूर्ति रूप से उपास्य हैं। जो भगवान के निष्कपट भक्त हैं, उन ब्रह्माजी तथा शंकर जी द्वारा उनकी मूर्ति अत्यंत आश्चर्यमय रूप से अवलोकनीय है, ऐसे भगवान प्रसन्न हो। श्रीय पतिर यज्ञपति ही प्रजापतिर ध्याम पतिर लोकपतिर धरापति ही पतिर गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदतां मे भगवान सतम पति। जो भगवान लक्ष्मी जी के पति पालक है, यज्ञों के भोक्ता है, प्रजाओं के पालक है, बुद्धि के स्वामी है, लोकों के स्वामी है तथा पृथ्वी के स्वामी है। जो भगवान अंधक वंशियों, वृष्टि वंशियों एवं यदुवंशियों के स्वामी हैं और आश्रय हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। पति शब्द पालक और स्वामी दोनों का समान रूप से बोधक है। श्री भगवान के सर्वपालकत्व का स्मरण करते हुए सुखदेव जी श्री भगवान की प्रार्थना करते हैं। जो भगवान लक्ष्मी जी यज्ञ प्रजाएं बुद्धि संपूर्ण जगत पृथ्वी तथा साधु पुरुष इन सबों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही अंधक वंशियों वृष्णि वंशियों तथा जदुवंशियों के पालक तथा सभी अवस्थाओं में रक्षक हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। ये मंगलाचरण। जदंग्रनुध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथारुचम समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। विवेकी पुरुष जिन श्री भगवान की चिंतन पूर्ण समाधि से निर्मल बनी हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, ब्रह्मज्ञानी पुरुष जिनका अपनी अपनी रुचि के अनुसार वर्णन करते हैं, वे ही भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। श्री भगवान की ज्ञान प्रदान करने वाले श्री भगवान ही ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। इस बात का स्मरण करते हुए सुखदेव जी दो श्लोक के द्वारा कहते हैं कि जिन श्री भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन ही समाधि है, उससे श्री भगवान के चरणों का चिंतन करने वाले की बुद्धि निर्मल हो जाती है। उन श्री भगवान का साक्षात्कार करने के पश्चात भिन्न भिन्न विवेकी पुरुष अपनी रुचि के अनुसार ही श्री भगवान का वर्णन करते हैं, वे ही भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्मताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत क्रीड़ाश्चतः शमे ऋषीणां मृषभ प्रसीदताम। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि विषयिणी स्मृति को जागृत करने के लिए जिन परमात्मा के द्वारा प्रेरित सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से वेदांगों के साथ वेद के रूप में प्रकट हुई, ऐसे ज्ञान प्रदान करने वाले वालों में श्रेष्ठ श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न होए। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि विषयिणी स्मृति को उत्पन्न करने के लिए जिन श्री भगवान के द्वारा प्रेरित सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से शिक्षा इत्यादि वेदांगों के साथ वेदों के रूप में प्रकट हुई, ऐसे ज्ञान प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। भूतेर महद्भीर्जः इमः पुरा विभुर
निर्माय से तेज दमरुष पुरुष भुंते गुणान षोडश षोडशात्मक षोलंक शिष्ट भगवान बतंसि मे। जो परमात्मा पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके उन सबों में जीव रूप से सहन करते हैं और पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेन्द्रिया पांच प्राण और मन इन सोलह कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा सोलह विषयों को भोग करते हैं, वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें। वाह, भगवान बतन सी मेरी क्वेश्चन मोर वाणी को अलंकृत कर। भूतेर महद्भी इत्यादि इस श्लोक से सुखदेव जी श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी वाणी को श्रोताओं को आह्लादित करने वाली तथा श्रृंगार तथा करुणा आदि रसों आदि कोई शोभा से संपन्न बना दें। वे भगवान मेरी वाणी को अलंकृत कर दें। दूसरे की वाणी को दूसरा कोई कैसे अलंकृत कर सकता है? इस तरह की आशंका करके वे श्री भगवान के अंतर्जामित्व को ही आविष्कृत करते हैं। जो परमात्मा महाभूतों के द्वारा इन शरीरों का निर्माण करते हैं और इन शरीरों में अंतर्जामी रूप से निवास करते हैं, जीव के इस पुरुष नाम को प्रमाणित करते हुए कहते हैं कि वे पुरुष हैं। अतएव ग्यारह इंद्रिया तथा पंचभूत रूप से सोलह कलाओं का वे भोग करते हैं अथवा प्रकाशित करते हैं या पालन करते हैं, किंतु ऐसा अर्थ करने पर भुंगते पद में आत्मनि पद का प्रयोग अर्थ मानना होगा। उसका कारण है कि वे सोलह कलाओं का ज्ञान युक्त बना देते हैं। आत्मा शब्द में स्वार्थ में ही क प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर जीवत्व को इसीलिए नहीं कहा गया है कि उसको वैसा मानने पर प्रार्थना का विरोध होगा। माने टिके व्याकरण और टिके प्रयोग करी कहते जे कई कई आपको व्याख्या कर देवे भगवान अंतर्जामी पर रही कि सब जगह भोग कर मान जीव को सही शक्ति दे दी काले भूल कहीं भूल जदि जीव को सही शक्ति दे देगी शक्ति संपन्न करेगी जदि भोग भगवान करता सुखदेव गोस्वामी प्रणाम माने सही अर्थ माने असुविधा हम बोली कहते आत्मा शब्द से स्वार्थ में ही क प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर जीवत्व को इसलिए नहीं कहा गया है माने जीव को हुआ नहीं कहीं की उसको वैसा मानने पर प्रार्थना का विरोध हो जाएगा। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे वपुर ज्ञानमया मयम सौम्या यन्मुखाम भुजरुहा सबम। भगवान वेद व्यास को माने स्तुति करते हैं। संत पुरुषों ने जिनके मुख रूपी कमल के पराग रूपी ज्ञानमय आसव का पान किया उन निस्सीम तेजस्वी भगवान वासुदेव के अवतार व्यास जी को मेरा नमस्कार है। अपने पिताजी को नमस्कार करते हैं। नमो इत्यादि श्लोक के द्वारा वे श्री व्यास जी को नमस्कार करते हैं। सौम्य शब्द से यहाँ पर भक्तों को कहा गया है। यन मुखम्बु रुहा सबम का विग्रह है जिनका मुख रूपी कमल में विद्यमान पराग रूपी आसव उसका पान भक्तों ने किया है। ये तो देवात्म भू राजन नारदाय विपृच्छति वेद गर्भोभ्यधात साक्षात जदाह हरिरात्मनः। हे राजन, नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने उनको वही बतलाया था जिसको साक्षात श्री हरि ने ब्रह्मा जी को बतलाया था, उसी को मैं आपको बतला रहा हूँ। एतत् इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रश्नोत्तर रूप में ब्रह्मा एवं नारद जी के संवाद को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा जी को वेद गर्भ इसीलिए कहा जाता है कि उत्पत्ति काल में ही उनके भीतर वेद विद्यमान थे, तेणुकरी वेद गर्भ बोली कहते। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद की भावार्थ दीपिका टीका के चौथा अध्याय भाव प्रकाश का व्याख्या संपन्न हुई। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदन लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदन लाल।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंदलाल गिरिधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरिधारी गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरिधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरिधारी नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद नंदलाल गोविंद नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरिधारी नंदलाल गोपाल नंदलाल गिरिधारी नंदलाल गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय जय
अपना अपने गुरु महाराज की जय, आज सत्संग की जय, वृंदावन सेवा की जय, जय जय श्री राम दे हरी गौर हरी।